हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। और आज किस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टीटी एग्जाम आंसर की, जो कि अभी एक घंटे पहले हुआ है फ्रेंड। जी हाँ, प्राइमरी लेवल का जो एग्जाम हुआ है अभी यूपी टेट का, उसका टोटल आंसर की मैं डिस्क्राइब किया हूँ इस वीडियो एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से, जो लोग हमारे चैनल पर नए हो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से सबसे पहले मिलते रहे। फ्रेंड, इस चैनल पे हम हमेशा से नए एग्ज़ाम को लेके क्रैश कोर्स स्टार्ट करना, आंसर की प्रोवाइड करना, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके तुरंत एक से दो घंटे बाद आंसर की प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ जो भी एग्ज़ाम आता है उसका क्रैश कोर्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, सब कुछ न्यूज़ लेटेस्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम से प्रोवाइड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करें फ्रेंड्स हम इन्वायरमेंट को, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको मैच करा लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन नंबर है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 5 जून को, ठीक है फ्रेंड्स। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? तो इनको हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है इंडिया में, तो ये हैं कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ बता दूँ आपको कि टीटी एग्जाम को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा आपके वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी, लेकिन सिर्फ एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था 51 क्वेश्चन का फ्रेंड्स। 8 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के पूछे गए हैं। आप अगर बिलीव नहीं हो तो आप उसको मतलब एक वीडियो पहले जाकर उसको देख सकते हैं आप। चलिए फ्रेंड, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से क्या सोख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्रोड्यूस करते हैं वो होता है आपका क्या ऑक्सीजन। तो इसे यहाँ से आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो 3 वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव क्या बोले जाते हैं? तो डेट्रीवोरस बोले जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या मृतक भच्छी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तब तो भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? अगर जो इनको हिंदी नहीं समझ पाया तो इंग्लिश से भी कर सकते थे क्वेश्चन, तो यहाँ से मिलेगा आपका जल वैद्युत ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रेंड्स, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमालय पर्वत में। इनकी एक विशेषता होती है फ्रेंड्स कि ये जो घास होते हैं वो हमेशा माउंटेन पर्वत पे ही ज़्यादातर ऊंचाई वाले स्थानों पे ही पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो 128 है इसका आंसर भी कंफर्म नहीं हो पाया है, तो ये मैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दूंगा और पिन कर दूंगा, तो सबसे ऊपर ही दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक आउट होता है तो आप जरूर उसका आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिनीमाता रोग कैसी मछली खाने से जिसमें अधिक मात्रा होती है? कैडमियम की मात्रा अधिक होती है, तो इसके होता है इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ये होता है उत्तरी ध्रुव पे, यहाँ पे ही अंटार्कटिका पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन मैंने अपने इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन थोड़ा सा, ये जो ऊपर है फ्रेंड्स यहाँ पे मिनवाटर हो गए, इन्होंने गलत आंसर मतलब मार किया है। यहाँ होता है पारा की वजह से, किसकी वजह से होता है? पारा की वजह से, कैडमियम की वजह से होता है इटाइटाई रोग, ठीक है फ्रेंड्स। वो मैंने वीडियो में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को भी दे रखा है, ठीक है। तो पारे की वो से होता है आपका मिनवाटर रोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? तो ये थे आपके हीरालाल जेकानिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, रेड डाटा बुक किससे संबंधित? ये है विलुप्ति के करीब जीव, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन मैं दे रखता, अभी तक ये 5 क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन मिल चुके हैं जो मैंने इसे सिर्फ 51 क्वेश्चन में दे रखा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहा था वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं? तो जो मैं करंट अफेयर्स की वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें से था ये क्वेश्चन, ये रेखा शर्मा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत का अगर मतलब आपको नहीं समझ में आता है तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, शमंड, ठीक है। जो बुलाया जाता है वो किया बुलाया जाता है अधिवेशन के, जो बुलाया जाता है वो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर इसकी अध्यक्षता पूछते कि कौन अध्यक्ष करता है, संसद को संबोधित कौन करता है, तो वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है फ्रेंड, ये इसके अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, 9वें भाग में, ठीक है। 243 ओ तक है इसका टोटल, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन किससे है? तो ये है आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, और 73वां जो है वो आपका 73 जो है वो आपका सिटी से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड, शहरी स्थानीय स्वशासन से लेके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा में चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग। कौन कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, जिनके लिए आर्टिकल है आपका 324। क्या है? आर्टिकल 324, ये भी जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा की कार्यवाही की प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट जो आवर्स होता है वो आता है आपका क्वेश्चन आवर। क्या होता है आपका? क्वेश्चन आवर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो ये वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ठीक है, बाद में उसका रीयूटिलाइज करना, वो चीज़ होता है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये संरक्षण इनका काजीरंगा नेशनल पार्क में है। ठीक है फ्रेंड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क में। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं आपके, मतलब उत्पादक, फिर उपभोक्ता होते हैं, फिर होते हैं अपघटक। काफ़ी क्वेश्चन इनका सही हुआ है जिनके द्वारा मुझे ये पेपर मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है? तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की भैया है 0.03। इन लोग का तो अता पता नहीं रहता इन सब गैसों का। ठीक है फ्रेंड्स, ये इन्वायरमेंट में लेके पूछा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ड की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो ये होता है आपका क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, मानव गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदारी हैं, ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो कैसे क्या है, कृषि क्रियाकलाप को लेके अब अगर जैसे देखते हो आप झूम खेती करते हो ना, झूम खेती जो होती है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसमें चारों ऑप्शन सही होगी। नेक्स्ट है, UFRBAC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जट्रोफा की वजह से, ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोगों ने कर भी लिया होगा। जड़ी बूटी की रानी भारत की सबसे पवित्र, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। तो ऑसिसम सैक्टम, यहाँ से आप जानते रहेंगे इसके लिए ये है तुलसी का फूल है। ठीक है, या तुलसी के लिए। पीने के लिए पानी, सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो ये पीने योग्य पानी ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोटेबल वाटर होगा इसका आंसर। लेकिन पीने के लिए सुरक्षित पानी, इन तीनों से पूछ ले सुरक्षित पानी सबसे कौन सा है, तो वो होता है आपका डिस्टिलर। लेकिन आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका पीने योग्य पानी, पोटेबल वाटर। ये भी क्वेश्चन मैंने देखा दिया है फ्रेंड्स उसमें, वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण होती है? तो ये MIC मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से होती है। फ्रेंड्स आप वो मेरे 51 क्वेश्चन देख सकते हो, 8 क्वेश्चन टोटल मैच किया। इसके बाद मैंने दिया था यूक्रेन त्रासदी भी दिए थे, तो 1986 में हुई थी। ठीक है, इसी के बाद हुई थी, तो चेर्नोबिल जो प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे हुई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने दे रखा, तो उसमें से एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम को। फ्रेंड मैथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नियर वर्ड्स में इन्होंने पूरे सही क्वेश्चन किए हैं, तो मैं फटाफट उनका केवल आंसर बताता जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करना, मैं बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, पी का पी परसेंट 36%, इसका आंसर हो जाएगा 60, 92 का आंसर हो जाएगा 27 हो जाएगा इसका टोटल को मिलाएंगे। सीधा सीधा है इसका, आप LCM निकालो उसके आंसर हो जाएगा। 100 के समभाजकों की संख्या हो जाएगी यहाँ से 5, 15 सेमी भुजा वाले किसी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 3 के पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो शेषफल जो होगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से फिर शेषफल हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ से हो जाएगी 16। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या तो ये हो जाएगी 2, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इनसे आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं आप, इसका आंसर हो जाएगा 1236 हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 91। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा सी, मतलब तीसरा, हमेशा धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 101 का हो जाएगा हमें फ्रेंड्स आंसर 11 हो जाएगा। इन टोटल को पहले ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना, इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो जाएगा 243। ठीक है फ्रेंड, ये सही है। 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसमें लिस्ट वाला नंबर पूछा तो ये हो जाएगा 2520, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड, यहाँ से आप देख सकते हैं 4/8/2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो सीधा सीधा इनको 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है, तो 5 डेज आपका एक्स्ट्रा आएंगे, उसी में 5 डेज एक्स्ट्रा आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 10 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसका वाई की वैल्यू 70 डिग्री शायद आएगा और एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 की जो जो आंसर होगा वो होगा आपका 325। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 8/1/3। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर हो जाएगा 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे सी, यहीं का ये थोड़ा सा आंसर शायद गलत हो गया है, 110 का सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसमें 111 का आंसर भी सी हो जाएगा। ठीक है 33:1/3%, 112 का जो आंसर होगा आपका 16/30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको एलेबरेट नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर 600 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो जाएगा आपका दो भुजा और उनके मध्य कोण, आपके में क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आप मिला सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है तो इसका टोटल मिला के जो एक फॉर्मूला होता है आपको बता दूँ, मेरे वीडियो पे चैनल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, इससे डायरेक्ट आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ गई 80%, और 4/5 को भी परसेंट में आप चेंज करोगे तो उसका आंसर आता है 80%। ये काफ़ी क्वेश्चन आसान सा रहा था आपका, C/5 एक फार्मूला भी होता है, अगर आपको कभी नहीं आता तो इससे आप कर सकते हो। C/5 इसका तो होता है F-32/9, ये होता है फार्मूला, इसके अनुसार आपको किसी भी डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इससे डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा जो कि नोन होता है, साइंस के भी क्वेश्चन में कई बार पूछा होता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 117 का जो आंसर होगा 3.4485 हो जाएगा। 118 का आंसर हो जाएगा आपका 20 वर्ष। 119 का आंसर जो हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 120 का जो आंसर हो जाएगा आपका 78 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 52/240×360, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका आंसर 78 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम अपने सेक्शन इंग्लिश वाले सेक्शन पे, फटाफट इसके आंसर को बताएंगे। जैसे इसमें गंगापुर को पूछा था तो ये आपका प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि विलेज वगैरह ये सब कॉमन नाउन होते हैं, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, विच पार्ट ऑफ स्पीच, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विच ऑफ पास आउट सीरीज इज द ब्रेव, ये होता है एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन, तो गोल्ड क्या हो जाएगा मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो ये सब क्या है आपके वो भाववाचक संज्ञा नहीं, प्लग हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन नहीं होता ये चीज़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड, तो ये हो जाएगा मतलब वर्क को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वर्क को जब डिस्क्राइब करते हो क्या होता है एडवर्ब होता है, तो इसका आंसर एडवर्ब हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन, तो कंजक्शन इसमें कंजक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को ऐड करने का काम करता है। सी इज पुअर बट सी इज बाई नेचर हॉस्पिटेबल, ठीक है, तो ये बट जो है वर्ड इनको क्या करता है कंजक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा सीधा हो जाएगा मतलब सी वाला। तीसरा, पॉइंट ऑफ सेंटेंस विच इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आई हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, लास्ट वाला। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड में डीरोगेटरी, इसकी स्पेलिंग होती है डी ई, मैं आपको राइट करके बता दे रहा हूँ, डी ई आर ओ, ठीक है, जी ए टी ओ आर वाई होता है, क्या होता है टी ओ आर वाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर वाई दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 17 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इनके साथ में ऑब्जेक्ट है, तो डी बार आंसर इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव, तो डज ना हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर नॉट वगैरह लगा है तो वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, तो एक्सक्लेमेटरी क्या होता है संबोधक वाक्य होता है, तो पहला वाला आंसर सही हो गया। पॉइंट आउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एक जटिल वाक्य होता है जिसमें दो तीन मीनिंग्स निकलती हैं या काफ़ी बड़ा वर्ड होता है, तो चौथा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्लूरल, प्लूरल पूछा है, तो माउस का क्या हो जाता है माइस हो जाता है, तो चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ रिगार्डेड एज अ सिंगुलर, तो मैथमेटिक्स हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है, ये सब्जेक्ट है, इसके ऐसा लगा देने से इसमें ये प्लूरल नहीं बन जाता है, ये सिंगुलर ही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ये क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस, तो ही वॉज असिस्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जैसे देख रहे हैं आप पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस और वर्ब भी थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है ये आपका पैसिव वॉइस में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 80 जो है, दैट इज द मैन द पुलिस वॉज आस्किंग, ठीक है, द पुलिस वॉज सीकिंग, ये वही आदमी है जिसको पुलिस तलाश रही है वगैरह जो भी है, तो इसमें द जो बार बार आ रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है डिफिनिट आर्टिकल को, आपको पता भी होगा द आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है। दीज स्टूडेंट आर मोस्ट डिसओबीडियंट, तो इसमें बताना है स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स जो है इसमें कॉमन जेंडर है, ठीक है, मैस्कुलिन फैमिली नहीं बोल वो कह सकते आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, पॉइंट आउट द टेंस ही वॉज, तो ये हो जाएगा वॉज वी आर आता है, तो आपका ज़्यादातर पता है
लोगों को कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। लैंग्वेज लर्न्स फ्रॉम, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम, तो ये लोगों को क्या होता है, चीज़ें सीखी जाती हैं उसके बाद, मतलब सुनी जाती है उसके बाद लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, वैसे चीज़ें बोलते हैं। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। बताने का मतलब होता है, जो किसी पोएट्री वगैरह को बताने, तो क्या मतलब होता है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान सके या उससे चीज़ें कुछ वो सीख सकें। ठीक है फ्रेंड, तो इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स विद एन अ करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, यस आई सा अ यूरोपियन, ठीक है, राइडिंग ऑन एलिफेंट। ई आपका स्टार्टिंग हो रहा है, तो समझ लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एन पहले लगेगा। ठीक है, वॉवेल पहले आ रहा है, तो इसमें एन का यूज़ होगा, तो ए एन इसका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। अबाउट द स्टोरी नहीं कहोगे आप, डिस्क्राइब द स्टोरी करोगे। ठीक है, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा है, प्रिजनर वार एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ मतलब गवाह है मर्डर का। ठीक है, फॉर नहीं होगा, ऑफ ही होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, इनोसेंट का मतलब होता है काफ़ी मासूम वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ कुछ ज़्यादा नहीं जानता हो, तो इसका हो जाएगा क्लवर, आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। सिनोनिम्स ऑफ सिग्निफिकेंट, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, तो प्रोमिनेंट आई थिंक लगता है कि प्रोमिनेंट ही आंसर होगा, जिन लोगों ने अगर सही किया हो तो इसको चेक करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड बाई प्लूरल बाई एडिंग सफिक्स ई एन, तो ये ऑक्शन होता है हमेशा, आप तो जानते ही हो, तो ई एन ऑक्स में जोड़ के कर सकते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द दिस ड्रेस इज योर्स। ठीक है, तो जब किसी को पोजिशन आप शो करते हो तो योर में योर्स आई एस वगैरह जोड़ देते हैं, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू द पैसिव वॉइस, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी है आपका, हैव द गर्ल्स आस्क दिस क्वेश्चन, तो जब आप दिस क्वेश्चन को आप नाउन बनाओगे तो दिस क्वेश्चन है सिंगुलर है, तो हैज का यूज करेंगे, लास्ट में वीन का, और फिर सेम सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब बारी आती है आपके हिंदी के क्वेश्चन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, संप्रेषण कला का क्या अर्थ क्या नहीं होता, तो ये अलंकरण नहीं होता। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, तो ये होता है आपका कंटिन्यू अभ्यास करने से। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता। ठीक है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, तो ये फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन बढ़िया दे रखा है, इसमें लोग कर्मधारय और बहुव्रीहि में काफ़ी कंफ्यूज हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो कर्मधारय होना चाहिए, आपने क्या मारा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बता दें। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग, किस उपसर्ग का यूज हुआ है, तो ये होता है अलंकार का। ठीक है, ये जो विसर हलंत लगा हुआ है वो ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह पुस्तक किसकी है, मेरे खांकी शब्द पद परिचय दीजिए, तो ये है सर्वनाम, एक वचन और स्त्रीलिंग। पुस्तक वगैरह क्या होती है, हमेशा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्लेषण शब्द क्या विलोम होगा, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, पहले आप ये बताओ। इसका मतलब होता है व्याख्या होता है, और आई थिंक इसका आंसर संश्लेषण होना चाहिए। ठीक है, इसमें लग रहा है इन्होंने अर्थ के आधार पर मार दिया इसको, तो इसका आंसर होना चाहिए संश्लेषण, देख लेंगे, लिखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिस उच्चारण ऊपर से दांतों के जीभ पर लगने से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो दंत्य ऑलरेडी आप जानते ही होंगे। उसमें व्यंजन क्या है, तो श श श, ये तीनों श आपके उसमें व्यंजन, अत्यधिक क्या होता है, अत्यल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स, रित का विलोम शब्द पूछा है, तो रित का विलोम शब्द अनरित हो जाएगा। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, तो ये शन हो जाएगा, न में हलंत लगा हुआ रहेगा। मुझे मुझसे कभी खड़ा नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। ठीक है, ये तो भाववाच, आई थिंक मुझे लगता है कि भाववाच सही है। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, थोड़ा सा ये फ्रेंड क्वेश्चन कंफ्यूजेबल है। ठीक है, और ये दोनों तो काफ़ी मतलब सही है, लॉन्ग और ये आयुष, मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो इनका होना चाहिए डी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर कोई एक्स्ट्रा अगर दूसरा मारे तो इसको जरूर टाइप करके बता दे। लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, तो ये स्कंद गुप्त ही है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं होंगे इसका आंसर, इसका आंसर कुछ दूसरा होगा, आप थोड़ा सा कोई तारक दास ऐसे कुछ करके आए, तो ये आंसर नहीं होगा, तीसरा ही आंसर इनका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, कवि और उनकी रचना के अनुसार, तो उद्धव शतक यही आपका आंसर होगा। इसके भी आपके दूसरे कोई पोएट हैं देख लीजिएगा आप, लेकिन पक्का है, कंफर्म है कि ये चौथा वाला आंसर सही है। ठीक है, मैंने इसको चेकआउट कर लिया है गूगल पे। लेखक उनकी कृति के अनुसार, तो ये दर्शन दिग्दर्शन, ये भी आपका क्या है, यही आपका सही आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल जी नहीं होंगे। इसके भी आपके जो पोएट हैं वो राहुल संकृत्यान जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड आपका विराम दृष्टि के, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये तीसरा ही होगा। हाँ, मेरा यही विचार है, हाँ के बाद उसके रुका जा रहा है, तो वहाँ से भी एक आपका चिन्ह होना चाहिए, संबोधन चिन्ह कह सकते हो आप या विराम चिन्ह। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ प्रकृति कहता है, तो ये दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये जब बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाश्वत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50 क्वेश्चन, अर्वाचीन का शब्द का विलोम क्या होता है, तो ये प्राचीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राचीन होता है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स
अभी तक मुझे लगभग वो सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं, लेकिन मुझे मनोविज्ञान बाल अधिकार का क्वेश्चन नहीं मिला था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। तो उसमें आप लोग तो फिलहाल तो कर ही लोगे, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें सबको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। और लास्ट पेज का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ये जो इसमें आंसर है वो होगा आपका पहला वाला विरहड़ी। विरहड़ी हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। ये लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, वी लिखा जाता है, ह लिखा र लिखा जाएगा, ह में छोटी की मात्रा लिखेंगे फिर अड़ी, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, इसमें पहला वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा युग्म गलत है, तो अपने चेकआउट किया होगा, ये सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन इसमें बी वाला ही क्या होगा, सब्ज बाग दिखाना, मतलब थोड़ा सा कह सकते हो तानाशाही दिखाना या रौब बांटना, ये सब चीज़ें इसका होता है। नेक्स्ट है मेरी भाव आधार हो, तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा, मेरे अकॉर्डिंग होगा रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। गौशाला में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में देशभक्ति मतलब क्या होगा, देश की भक्ति या देश की प्रतिभक्ति, तो इसमें जो प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। कुछ कुछ वीडियो लगातार कंटिन्यू अभी वीडियो एग्जाम की बैचेस चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, चार पांच वीडियो, छह वीडियो पढ़ चुके हैं, तो कंटिन्यू मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, जो ये सब चीज़ें तो आप देख के ही मारोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, कंटिन्यू जुड़े रहें। प्रागैतिहास में किस उपसर्ग का उपयोग है, तो ये प्राक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तुलसीदास किसकी कविता है, तो ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया मुझे, आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। 58 का आंसर हो जाएगा बहिष्कार का संधि विच्छेद, बहि धन क्या हो जाएगा, विसर्ग के साथ में प्लस कार, ये विसर्ग ही चेंज होकर क्या हो जाएगा, आधा शब्द में चेंज होगा। वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन से, तो पहिया जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है फ्रेंड्स, अगर मुझे पता चलेगा, मैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताऊंगा, मेंशन कर दूंगा, उसको पिन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ही दिखाई पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे और सबसे पहले हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया। ये आंसर की भी आई होप कि आप सभी को सबसे पहले ही मिल रही होगी, ठीक है फ्रेंड। तो अगर एक दो लोगों ने डाला होगा, तो वो भी फुल आंसर की नहीं डाला होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस चैनल पर लगातार वीडियो एग्जाम की, यूपी पुलिस एग्जाम की, इस टाइम हमारे इस चैनल पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, लगातार चल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।